हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ मेथी के पराठे की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये पराठे की रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मेथी के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है मेथी का साग, जिसे मैंने अच्छे से साफ किया है और साफ पानी से वॉश कर ली हूँ। आगे के स्टेप में मैंने लिया है एक बाउल, जिसमें मैं ऐड करूँगी गेहूँ का आटा। आगे अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज, साथ ही इसमें मिला लूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अब इसमें हम अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें मैं सौंफ ऐड कर रही हूं, साथ ही इसमें मिला लेंगे काला जीरा। और आगे अब इसमें हम हींग ऐड करेंगे, साथ ही इसमें मिला लेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और अब इसमें हम मिला लेंगे थोड़ा सा चीनी, चीनी से हल्का एक फ्लेवर और कलर आएगा। और अब इसमें हम मेथी का जो साग है उसे डाल ले रहे हैं। दोस्तों, तो मेथी को साग को मैंने देखिए इस तरह से जो है काट दिया है, और पूरे साग को हम आटा में ऐड कर लेंगे। और आगे अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं घी। इन सभी चीजों को डालकर हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। गाइस, पहले हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले ऐसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे जितना ये मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे बिना पानी ऐड किए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए सॉफ्ट जो है आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो एक बार में ज़्यादा ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना है, थोड़े थोड़े मात्रा में पानी डालते हुए आटा जो है हमें गूंथ लेना है। तो गाइज, आटा जो है गूंथ कर तैयार हो गया है। चलिए, इसे छोड़ना नहीं, अब इसे हम संग संग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है हाथों से हमें लोइयां लेनी है, और जिस तरह से हम रोटी के आटे के लिए लोइयां बनाते हैं, गोल कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से गोल करने के बाद इसे सूखे आटा में जो है डस्ट कर लेना है इस तरह से। और हथेलियों की मदद से इस तरह से हम थोड़ा इसे चपटा कर देंगे। और अब इसमें हम सूखा आटा डस्ट करते हुए बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। तो गाइड्स, हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से हमें बेलकर पराठे को जो है तैयार कर लेना है। तो गाइस, पराठा जो है बेल कर तैयार कर ली हूँ। आगे के स्टेप में हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है तवा, तवे को गैस पर रख के अच्छे से गर्म कर ली हूँ दोस्तों। तो तवा हमारी गर्म हो गई है, तो पराठे को मैंने तवे पे डाल दिया है। अब इसे हम एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। तो गाइस, ये एक तरफ से अच्छे से सिक गई है, तो हम इसे पलट लेंगे ताकि ये सभी तरफ से जो है अच्छे से पक जाए। तो गाइस,
ये दूसरी तरफ भी अच्छे से पक गई है, तो मैंने ऊपर से वापस से घी डाल दिया है और इसे अच्छे से पराठे पे फैलाते हुए सभी तरफ से सेक लेंगे, इस तरह से पलटते हुए। तो इस तरह से हमें सभी तरफ से इसे अच्छे से सेक लेना है। तो गाइस पराठे जो है तैयार हो गए हैं, अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मेथी के पराठे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसी ही ईजी और अमेजिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।